हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप और चाहे कोई भी गेम को अगर आप चाहते हो भी हो कोई भी उसको इंस्टॉल ना कर सके। हम क्यों चाहते हैं ऐसा फ्रेंड? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं, जैसे हमारा फ़ोन अपने बच्चे के पास होता है, जैसे मेरा फ़ोन मेरे बच्चे के पास होता है, वो गेम खेलता खेलता उस पर एक ऐड आ जाती है, किसी ऐप की ऐड आ जाती है, किसी गेम की ऐड आ जाती है, बच्चा उस पर क्लिक कर लेता है और सीधा गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप को इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, पर इससे क्या हो जाता है, हमारे फ़ोन का जो डाटा होता है, जो हमारे फ़ोन की मेमोरी होती है, फुल हो जाती है। बाद में अगर हम उसको हटाते हैं तो बच्चा ज़िद करता है, नहीं पापा ये नहीं है, ये तो मुझे चाहिए था। और कई बार फ्रेंड क्या होता है, हम गूगल प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट लिंक करके रखते हैं, किसी परचेज ऐप को फ्रेंड हमने इंस्टॉल करना है या गूगल प्ले स्टोर से लेना है, तो इस वजह से हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने प्ले स्टोर से लिंक करके रखते हैं। तो बच्चा गेम खेलता रहता है, वो चाहता है भी हमारा ये लेवल अप हो जाए, मुझे ये गन मिल जाए या मुझे ये चीज़ मिल जाए। आपको पता है भी हर गेम के एक लेवल होते हैं, वो उस पर बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करता है तो पूरे का पूरा पैसा अपने अकाउंट से कट हो जाता है। तो आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ भी आपने इसको कैसे हल करना है, आपने अपने प्ले स्टोर की कौन सी सेटिंग को ऑन करना है, कौन सी सेटिंग को ऑफ करना है। चलो फ्रेंड, इसके लिए अब मैं ले चलता हूँ अपने अपने फ़ोन के ऊपर गूगल प्ले स्टोर की सेटिंग के ऊपर, वहाँ पर आपने क्या करना है जे पूरा का पूरा मैं आपको उस जहाँ स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। चलो फ्रेंड चलते हैं सीधा फ़ोन की स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपने तीन सेटिंग करनी है। फ्रेंड मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो हमारा अकाउंट का एक सिंबल बना होता है राइट साइड ऊपर में, ठीक है, जे मैं अपने अकाउंट पे चला जाता हूँ। जैसे फ्रेंड मैं अकाउंट पे चला गया हूँ तो जहाँ हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है फ्रेंड, सेटिंग का ऑप्शन रहने के बाद जहाँ पे एक ऑप्शन रहता है फैमिली का, ठीक है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पेरेंट्स कंट्रोल, ये हमेशा फ्रेंड ऑफ रहता है, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने लॉक लगाया हुआ है आज की वीडियो में, जे मैं पहले ऑफ करके दिखाता हूँ फिर इसको कैसे हमने सेटअप करना है तो मैं पूरा दिखाऊं। ये ऐसे ऑफ रहता है, जैसे हम पेरेंट कंट्रोल पे जाएंगे तो इसको हमें यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता होगा, आपने अपने बच्चे के साथ शेयर नहीं करना। चलो जहाँ से फ्रेंड मैं 1 2 3 4 सेट कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद कंफर्म करने के लिए मांग रहा है, यहाँ भी मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 और जहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद फ्रेंड तो इसके बाद एक आता है ऐप एंड गेम का, तो जहाँ पे फ्रेंड जहाँ एज रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है भी आपका बच्चा किस एज में है। मान लो मेरा बच्चा है तीन साल और सात साल के बीच में है, 3 साल से अबव है और 7 साल से बिलो है, तो जहाँ से हम इस सेटिंग को कर सकते हैं ऑन। अगर आपका बच्चा 7 साल से ऊपर है तो आप 7 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो तो अलाउ ऑल, तो जहाँ पे कोई भी बंदिश फ्रेंड जहाँ से नहीं रहेगी, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जहाँ एक ऐप इंस्टॉल के लिए लगाई हुई थी ये मेरी हो गई है। तो जहाँ पे फ्रेंड आपने अपने बच्चे की एज के रिगार्डिंग आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने एज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मेरा बच्चा 3 साल से ऊपर है तो जहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, जे ओके हो गया है इसको कर देते हैं, जहाँ से फ्रेंड हमने सेव कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अभी मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ तो इस पे अभी क्या होगा, ये प्ले स्टोर हमारे पास सिर्फ वही ऐप दिखाएगा, वही गेम दिखाएगा जो बच्चे 3 साल से 7 साल के बीच में बच्चा उससे कुछ सीख सकता है या उसके लायक है। ऐसी कोई फ्री फायर वाली गेम कोई नहीं दिखाएगा जो काफ़ी बच्चे को मतलब कि पजल करती है, जिसमें बच्चे का ज़्यादा अडिक्ट होने के चांस होते हैं। ऐसी कोई ऐप ऐसी कोई गेम बच्चे के लिए जहाँ पे प्ले स्टोर पे नहीं दिखाएगा। तो आप एज के रिगार्डिंग बच्चे की आपने वहाँ एज सेलेक्ट करके रखो तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो जिस गूगल प्ले स्टोर है वही सेटिंग आपके स्क्रीन पे शो करेगा, वही ऐप शो करेगा जो आपके बच्चे के लाइक है, ठीक है फ्रेंड। चलो फ्रेंड चलता हूँ मैं दूसरी सेटिंग के ऊपर और तीसरी सेटिंग। फ्रेंड आप ध्यान से सुन के जाना, तीसरी सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, तो इसके ऊपर जाना है। दूसरी सेटिंग के लिए हमने जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, तो जहां पे फ्रेंड एक लिखा है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, तो जहां से इसको आपने ऑन कर देना। जैसे फ्रेंड इसको हम ऑन करेंगे तो जहां पे एक ये पासवर्ड मांगेगा, तो अभी मैं लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, जहां पे आपने जो आपकी जैसे जे मेरी जीमेल आईडी है, जहां मैं उसका अगर पासवर्ड फिल कर देता हूँ तो उसके बाद ओके कर देंगे तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। इससे फ्रेंड क्या होगा, अभी जैसे आप क्या बोलते हैं, अभी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उससे लिंक होता है, आपने गूगल प्ले स्टोर के साथ गूगल से लिंक होता है, तो वहाँ से गेम खेलते खेलते अगर कुछ बाय का ऑप्शन आता है तो बाय के ऑप्शन के ऊपर फ्रेंड हमने क्या करता है, क्या होता है भी ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। इसको ऑन करने के बाद फ्रेंड ये आपका ऑथेंटिकेशन मांगेगा, मतलब आपका ईमेल का पासवर्ड तक मांगेगा, फिर वो चीज़ बाय होएगी, क्योंकि उसका तो सिर्फ आपको ही पता है, तो उनको और किसी को पता नहीं होगा, तो ये चीज़ ऑन करके रखो। और तीसरी सेटिंग फ्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ें हैं जो बच्चों की गेम के रिलेटेड है, ये फ्रेंड कुछ लिमिटेड है चीज़ें होती है, इसमें ऐसा नहीं होता भी बिल्कुल ही गेम हट जाए, भी कोई इंस्टॉल ही ना करे, ऐसा तो इसमें कुछ होता नहीं है। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा तंग हो तो भी हाँ यार ऐसा होना चाहिए, भी ऐसा कुछ बताओ सर, भी कोई ऐप ही ना इंस्टॉल कर सके, वह बच्चा खेलता खेलता 15-20 गेम इंस्टॉल कर देता है। तो इसके लिए आपने फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक आई बटन आ जाएगा ऐप इन्फो का, ऐप इन्फो के ऊपर हमने क्या करना है फ्रेंड, जहाँ डाटा यूजिंग का एक ऑप्शन रहता है, इसको हम ओके करेंगे। तो जहाँ पे हम जो इसका डाटा है एक स्पेसिफिक गूगल प्ले स्टोर का ऑफ करके रखेंगे, जब आपने चलाना है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, और अगर आपने बच्चे को देना है तो जहाँ से दोनों डाटा को आपने ऑफ कर देना है। अभी इसके बाद देखो इसका डाटा फ्रेंड ऑफ हो गया, अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, कोई भी एक ऐप इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, जो होगी नहीं ये बार बार पेंडिंग पेंडिंग बताता रहेगा, ठीक है, अगर कुछ भी हम करेंगे तो ये फ्रेंड इंस्टॉल ही नहीं होगी, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपने ये सेटिंग ऑन करके रखना, और ये देखो ये पेंडिंग ही दिखा रहा है बार बार कर्सर ऐसे ही दिखाता रहेगा, तो कोई भी ऐप इंस्टॉल जहाँ से नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत कमाल की फ्रेंड जो मैं बताई हुई है ये सेटिंग है, इसको आपने ऑन करके रखना है, और अपना जो डाटा है जो आपका फ़ोन की मेमोरी है उसको आपने सेव करके रखना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे मेरी जेन्युइन और रियल वीडियो रहती है जो आपके बहुत काम की है। कई बार फ्रेंड क्या होता है, अभी दुनिया भर की वीडियोज यूट्यूब पर पड़ी रहती है, हमको इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो कम से कम 50 वीडियो देखनी होती है, फिर कहीं जाके एक पे हमें काम की नॉलेज मिलती है। तो मेरे चैनल पे आप कोई भी जाके वीडियो देख लेना, पूरी की पूरी रियल है और एक भी फेक नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलो फ्रेंड बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।